Welcome to Disneyland. Disney awesome, yaar. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल यूवी का फर्स्ट बर्थडे है और आज हम जा रहे हैं पेरिस। तो कल हम उसका बर्थडे डिज्नीलैंड में सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे अपने होटल, रेस्ट करेंगे, उसके बाद सुबह हम डिज्नीलैंड के लिए रेडी होंगे और पूरा दिन डिज्नीलैंड में स्पेंड करेंगे। सो बच्चों के साथ ट्रैवल करते टाइम उनके रेस्ट का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है। तो रात भर बच्चों ने अच्छे से रेस्ट किया और सुबह उठ के हमने सबसे पहले यूवी को उसका बर्थडे विश किया। Happy first birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah! Happy birthday! Happy birthday, Yui! कहाँ? चलो पीछे आओ। किची कर लो किची। बर्थडे यूवी। वेरी गुड। पहले गुगु और यूवी को रेडी करके फिर हम दोनों रेडी हुए और गुगु अपने पापा को कॉम्प्लीमेंट दे रही है कि पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। न्यू न्यू। बोलो गुम्मी गुम्मी। गुग्गू तो डिज्नीलैंड घूमने के लिए काफी एक्साइटेड थी लेकिन यूवी मेरी गोदी में सो गया। चलो अच्छा, इसी बहाने उसका थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और वहाँ जाके वो अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। डिज्नीलैंड हमारे होटल से ज्यादा दूर नहीं था तो हम थोड़े ही टाइम में वहाँ पहुँच गए। हम फर्स्ट टाइम डिज्नीलैंड जा रहे हैं तो मुझे डिज्नीलैंड के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, बस थोड़ा बहुत सुना था। वेलकम टू डिज्नीलैंड। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो डिज्नीलैंड की टिकट हमें ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती है और इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है। अगर कोई ओकेजन है तो थोड़ी कॉस्टली होती है, अदरवाइज 70-120 यूरो की रेंज में ये टिकट रहती है। तो हम पार्किंग में कार पार्क करके जैसे ही अपनी टिकट स्कैन करके डिज्नीलैंड के अंदर पहुंचे तो हम थोड़ा सा वहां जाके कंफ्यूज हो गए। जैसे ही हम वहां एंटर हुए, सामने डिज्नी स्टूडियो पार्क था और राइट साइड पे डिज्नीलैंड पार्क था। तो हमने सुना था कि दोनों में से डिज्नीलैंड पार्क ज्यादा अच्छा है, वहां पे बहुत सारी राइड्स हैं, इसलिए हम डिज्नीलैंड पार्क गए क्योंकि हमारी टिकट भी दोनों में से किसी एक पार्क के लिए वैलिड थी। तो हम डिज्नीलैंड पार्क में जा रहे हैं। इस पार्क में एंटर करते ही ऐसा लगा जैसे डिज्नी की नई दुनिया में पहुंच गए हैं। सब कुछ बहुत ही कलरफुल था और बिल्डिंग का आर्किटेक्चर भी बहुत ही प्यारा था। फिर हम इधर उधर के नजारे देखते हुए आगे बढ़ते गए क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हमें कहां जाना है। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए हम सबसे पहले दिखी ये डिज्नीलैंड की ट्रेन, तो हम इसमें बैठ गए और इसने हमें पूरे डिज्नीलैंड का राउंड ट्रिप करवाया। सो डिज्नीलैंड 4-5 डिफरेंट लैंड्स में डिवाइडेड है, एडवेंचर लैंड, फ्रंटियर लैंड, फैंटेसी लैंड एंड डिस्कवरी लैंड। तो इस ट्रेन ने हमें सबका राउंड ट्रिप करवाया। Ladies and gentlemen, we are now departing Main. हम ट्रेन से किसी भी स्टेशन पे उतर के उस एरिया को एक्सप्लोर करके नेक्स्ट ट्रेन से अगले स्टेशन पे जा सकते थे, लेकिन हमने इस ट्रेन से पूरा राउंड ट्रिप किया क्योंकि बेबी का स्ट्रॉलर फर्स्ट स्टेशन पे था तो हम वहीं पे उतरे जहाँ से हम चढ़े थे और उसके बाद हमने स्ट्रॉलर लिया और बच्चों को लेके आगे बढ़ते गए। तो जैसे ही हम ट्रेन से निकले हमने देखा यहाँ पे काफी सारा क्राउड है जो कि डिज्नी परेड का वेट कर रहा है और डिज्नी के जितने भी करेक्टर्स हैं वो बारी बारी यहाँ से निकलेंगे, तो हम भी साइड पे खड़े होकर उनका इंतजार करने लगे। हाँ।
डिज्नी के कैरेक्टर्स ऐसे डांस करते हुए जा रहे थे तो उन्हें देख के काफी अच्छा लग रहा था और गुगु भी बहुत खुश हो रही थी, नाच रही थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ के देखा हमने ये ब्यूटीफुल सा कैसल जो कि स्लीपिंग ब्यूटी कैसल है। तो फिर हम धीरे धीरे कैसल की ओर चल पड़े। जब हमने पार्क में एंटर किया था तब हमें एक इन्फॉर्मेशन मेन्यू कार्ड मिला था जिसमें मेंशन था कि डिज्नीलैंड में कौन कौन सी राइड्स और एक्टिविटीज होती हैं और कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है। तो हमने इन्फॉर्मेशन मेन्यू कार्ड को फॉलो करते हुए उन राइड्स को ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि हम बच्चों के साथ सारी राइड्स तो नहीं कर पाते और वैसे भी एक दिन में इतनी सारी राइड्स करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे काफी सारी शॉप्स भी थी जहाँ पे बच्चों के गाउन मिल रहे थे और हेयर बैंड्स मिल रहे थे डिज्नी वाले। आगे एक सुंदर सा पार्क था जहाँ पे बैठ के हमने सबसे पहले बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया, यूवी को भी दूध पिलाया और गुगु यहाँ पे पानी में बतके देख रही थी और वो इनको देख के इतना खुश हो रही थी कि वो आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने उसे यहीं पे जी भर के एंजॉय करने दिया क्योंकि बच्चों को एंजॉय करने के लिए लाए हैं, अगर उसे इसी में अच्छा लग रहा है तो यही सही। फिर मैं उसे ले गई अपनी नेक्स्ट राइड करने के लिए। तो मैंने और गुगु ने फर्स्ट राइड की ये फ्लाइंग एलिफेंट वाली। यहाँ पे गुगु को कुछ अपने जैसे ही छोटे छोटे बच्चे मिल गए जिनके साथ उसकी दोस्ती हो गई और वो खेलने लग गए और जब तक हम वेटिंग लाइन में थे तब तक उसने इन्हीं के साथ खेल के अपना टाइम पास किया। फिर हमारी टर्न आ गई, हम फ्लाइंग एलिफेंट में बैठ गए। मुझे डर लग रहा था कि गुगु पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी लेकिन उसने बहुत अच्छे से इंजॉय की। और बहुत खुश होके आके अपने पापा को भी बताया कि मैंने बहुत अच्छे से ये राइड ली, मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और हमने और भी बहुत सारी राइड्स की। डिज्नीलैंड के बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है और बच्चों और बड़ों सबके लिए ही बहुत इंटरेस्टिंग है। डिज्नीलैंड में हमने कौन कौन सी राइड्स की और कौन सी राइड ऐसी है जो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है, जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी क्योंकि ये तो डिज्नीलैंड का जस्ट एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।